Now we will see few question. In this question we need to find coefficient of exponential Fourier series. So ये signal दिया हुआ है यहाँ पे 4 cos 2 omega naught t को हम क्या लिख सकते हैं 4 into e to the power 2 j omega naught t plus e to the power minus 2 j omega naught t divided by 2. Okay. Now this can be written as 2 into e to the power 2j omega naught t plus e to the power minus j 2 omega naught t. Okay. Now, इसको अगर हम compare करें, x of t is equal to summation of n is equal to minus infinity to infinity c of n e to the power j n omega naught t. अगर इससे हम compare करें इसको, then यहाँ पे n का value क्या एक आ रहा है? 2 और एक जगह क्या आ रहा है? n is equal to minus 2, right? और यहाँ पे c of n का वैल्यू क्या होगा अगर हम इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करें देन c of n का वैल्यू क्या होगा दैट इज 2 और यहाँ पे भी c of n का वैल्यू क्या आएगा दैट इज 2. ओके नाउ यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 2 और यहाँ पे n का वैल्यू क्या है माइनस 2. सो दिस विल बी c of 2 इज इक्वल टू 2 एंड दिस विल बी c of माइनस 2 इज इक्वल टू 2. सो यहाँ पे दो एक्सपोनेंशियल कोफिशियंट आएगा. नाउ in next question, x of t is given as 2 plus cos 2 pi by 3t plus 5 sin 5 pi by 3t. Okay. So, यहाँ पे पहले तो हम ओमेगा नॉट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ पे ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या होगा दैट इज 2 pi by 3. ओमेगा 2 इज इक्वल टू 5 pi by 3. Now, इसमें greatest common divisor क्या होगा? pi by 3. Then this will be 2 into pi by 3. And this will be 5 into pi by 3. Now, omega naught का value क्या हो जाएगा? pi by 3. और यहाँ पे n का value क्या है? एक में 2 है. और यहाँ पे n का value क्या है? एक में 5 है. Right? और यहाँ पे cos और sin term है. तो यहाँ पे तुमको 5 coefficient मिलेगा. अगर तुम इसको expand करोगे x of t को then you will get 2 plus 1 by 2 e to the power j 2 pi by 3 t plus 1 by 2 e to the power minus j 2 pi by 3 t plus 5 by 2 e to the power 2j e to the power j 5 pi by 3 t minus 5 by 2j e to the power minus j 5 pi by 3 t. Okay. Now, इसको हम compare करें exponential Fourier series के expansion से, then this will be c naught and c naught that is 2, then यहाँ पे n का value क्या है? 2 है. इसमें n का वैल्यू क्या है 2 है और इसमें n का वैल्यू क्या है माइनस 2. इसमें n का वैल्यू क्या है 5 और इसमें n का वैल्यू क्या है माइनस 5. ओके सो c of 2 इज यहाँ पे कितना है c of 2 दैट इज 1 बाई 2 राइट 1 बाई 2 यहाँ पे कोफिशियंट क्या है 1 बाई 2 और c of minus 2, n is equal to minus 2, c of minus 2 में coefficient क्या है? 1 by 2. c of minus 2 में coefficient क्या है? 1 by 2. यहाँ पे, c of 5 का coefficient क्या है? 5 by 2j. c of 5 में coefficient क्या है? 5 by 2j. And, यहाँ पे c of minus 5 का coefficient क्या है? Minus 5 by 2j. c of minus 5 का coefficient क्या है? Minus 5 by 2j. Now, in next question, एक continuous time period दिया period signal दिया हुआ x of t, जिसका fundamental period है t is equal to 8. Then, non-zero Fourier series coefficient of x of t, ये दिया हुआ है c1 और c-1 is equal to 2, c3 and c-3 conjugate is 4j. So, हमें क्या चाहिए c-3, so c-3 conjugate का whole conjugate will be equal to minus 4j.
दैट इज c माइनस 3 इज इक्वल टू 4j. सो हमें निकालना है यहाँ पे x ऑफ t इन ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज. नाउ c1 यहाँ पे दिया हुआ है राइट और c माइनस 1 दिया हुआ है दैट इज 2, यानी कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है और c1 इज इक्वल टू क्या होगा 2. यहाँ पे n इज इक्वल टू माइनस 1 है और c माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2. कोफिशियंट यहाँ पे दिया हुआ है. c3 दिया हुआ है 4j. ओके यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है 3 और c3 क्या दिया हुआ है 4j एंड c माइनस 3 हम कितना निकालें n इज इक्वल टू माइनस 3 यहाँ पे कितना निकाले हैं दैट इज सॉरी यहाँ पे माइनस 4j होगा माइनस 4j. ओके नाउ t इज इक्वल टू 8 है. ओके सो ओमेगा नॉट विल बी 2 पाई बाई टी विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई 8 और पाई बाई 4. तो ओमेगा नॉट का वैल्यू पता है हमको पाई बाई 4. नाउ इसका एक्सपेंशन किस तरह से लिखते थे c1 e टू द पावर j पाई बाई 4 टी इंटू 1. यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 1 प्लस सेकेंड क्या है n का वैल्यू माइनस 1. सो c माइनस 1 e टू द पावर j पाई बाई 4 इंटू टी इंटू माइनस 1 प्लस नेक्स्ट क्या है c3 c3 इज 4j प्लस c3 e टू द पावर j 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू टी प्लस c माइनस 3 इंटू e टू द पावर j माइनस 3 इंटू पाई बाई 4 टी. ओके नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू ई टू द पावर जे पाई बाई 4 टी प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई 4 टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4j इंटू 2j इंटू ई टू द पावर जे 3 पाई बाई 4 टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे 3 पाई बाई 4 टी डिवाइडेड बाई 2j. x ऑफ t इज इक्वल टू 4 cos पाई बाई 2 टी माइनस 8 sin 3 पाई बाई 4 टी. ओके सो ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के फॉर्म में आया. यहाँ पे an का वैल्यू क्या है 4 और bn का वैल्यू क्या है माइनस 8. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ इन दिस क्वेश्चन एक सिग्नल है x ऑफ t जिसको हम एक लो पास फिल्टर से क्रॉस कर रहे हैं जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दिया हुआ है एच ऑफ ओमेगा मॉड एच ऑफ ओमेगा इज 1 एंड ओमेगा शुड बी लेस देन 100. ओके यानी कि यहाँ पे एक लो पास फिल्टर है जिसका फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है माइनस 100 टू 100 और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1. ओके एच ऑफ ओमेगा नाउ एक्स ऑफ टी इनपुट दे रहे हैं जिसका टाइम पीरियड कितना है पाई बाई 6. तो पूछ रहा है कि आउटपुट जो है वो कब जीरो होगा यानी कि सी ऑफ एन का वैल्यू तुम्हारा जीरो कब होगा. ओके एन का वैल्यू क्या होगा जिससे सी ऑफ एन का वैल्यू जीरो हो. नाउ यहाँ पे टी इक्वल टू दिया हुआ है पाई बाई 6. ओके तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 2 पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू 12. नाउ यहाँ पे एन ओमेगा नॉट हम देंगे सपोज करो इसको अगर यहां पे हम n ओमेगा नॉट देते हैं तो ये कब तक जाएगा देखो n ओमेगा नॉट. ओके
सो यहाँ पे सबसे पहले 1 इंटू 12, देन 2 इंटू 12, देन 3 इंटू 12, ओके इस तरह से कब तक जाएगा, 8 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 96, देन 9 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 108। अब देखो फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है, सिर्फ 100 तक है, तो ये तो टर्म नहीं आएगा, राइट right? यानी कि y ऑफ टी विल बी इक्वल टू x ऑफ टी फॉर n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 8, राइट right? अगर n का वैल्यू 8 या 8 से ज़्यादा होगा, सॉरी अगर 8 से ज़्यादा होगा देन c ऑफ n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ओके यहाँ पे सिर्फ 100 तक ही फ्रीक्वेंसी पास हो सकता है, तो n ओमेगा नॉट तुम्हारा कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे ओमेगा नॉट का वैल्यू 12 है, n ओमेगा नॉट 1 इंटू 12, 2 इंटू 12, 3 इंटू 12, ऐसे करते करते 9 इंटू 12 में देखोगे ये 100 को क्रॉस कर रहा है, राइट right? सो तुम्हारा आउटपुट कहाँ तक आएगा, सिर्फ 8 इंटू 12 तक आएगा, 8th फ्रीक्वेंसी तक आएगा, 8th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी तक आएगा। तो y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t व्हेन n इज इक्वल टू और लेस देन 8, फॉर ग्रेटर देन 8 c ऑफ n विल बी इक्वल टू 0।